हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज चैनल पे। आज 28 सितंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड फायर से रिलेटेड। साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिड्यूस किया है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रमोट करती है वाइल्ड फायर को। बैकग्राउंड क्या है इसमें फोकस किया है वाइल्ड फायर जो कि वेस्टर्न यूएस और बुश फायर जो कि साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 2019 से 2020 के बीच में हुई थी उस पर। डिटेल जान लेते हैं। क्लाइमेट चेंज के वजह से जो फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी ऑफ जो फायर है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इसको लैंड मैनेजमेंट अकेला एक्सप्लेन नहीं कर सकता है क्योंकि ये सेवरल अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। इसके वजह से जो रिस्क ऑफ फायर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। इसको लेकर के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने अपनी फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की 2013 में, जिसमें कुछ फैक्टर्स को एनकाउंटर किया गया है जो कि वाइल्ड फायर में रोल प्ले करते हैं। इसमें ग्लोबल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, ग्लोबल इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी एंड इवेंट ऑफ हीट वेव्स एंड रीजनल इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और इसके अलावा ड्रॉट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को भी एक फैक्टर माना गया है। कैलिफोर्निया और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में समर के महीने में वाइल्ड फायर जो है वो बहुत ज़्यादा रेस कर जाता है और इसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और साइंटिस्ट इससे काफ़ी कंसर्न है और इसको डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से लिंक किया है। यहाँ पर नई एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर नेचुरल वेरिबिलिटी को सुपर इम्पोज किया गया है, जिसके वजह से इंक्रीजिंगली वार्म और ड्राई कंडीशन डेवलप होते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज जे क्या ही नतीजा है, जिसके वजह से एक्सट्रीम फायर्स और मोर एक्सट्रीम फायर सीजन्स हालिया समय में देखने को मिल रहे हैं। लैंड मैनेजमेंट भी इसमें काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बट इसको वो सिंगल हैंडेडली ऐसा नहीं कह सकता कि सिर्फ वाइल्ड फायर के लिए मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट ही ज़िम्मेदार है। इस फायर के वजह से थाउजेंड ऑफ एनिमल्स और मोर देन 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड पे इम्पैक्ट पड़ा है, और गवर्नमेंट और यहाँ पर साइंटिस्ट ने इसको वो क्लाइमेट चेंज से लिंक किया है। अगली न्यूज़ है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से। इशू क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में है, उनका कहना है कि इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड ऑफ जो 22,100 करोड़ की एज ए कैपिटल गेन की है जो कि वोडाफोन पे कम्युनिकेशन पे इम्पोज किया गया है, जो उन्होंने 2007 में एक डील की थी, ये ब्रीच है गारंटी ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का। डिटेल जान लेते हैं। 2007 में वोडाफोन ने हचिसन वैम्पुआ की 67% स्टेक को $11 बिलियन में बाय किया था। इसमें वोडाफोन की मोबाइल टेलीफोनी बिजनेस और अदर एसेट्स जो कि इंडिया में उपलब्ध थे वो भी इंक्लूड है। इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर रेज किया है डिमांड ऑफ 7,990 करोड़ एज ए कैपिटल गेन और विद होल्डिंग टैक्स फ्रॉम वोडाफोन। उनका कहना है कि वोडाफोन पेमेंट से पहले वो जो टैक्स है वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देगी। वोडाफोन ने चैलेंज किया इस डिमांड को बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में जजमेंट आया। इसको देखते हुए वोडाफोन ने इस मैटर को वो सुप्रीम कोर्ट में 2012 में चैलेंज करते हुए एक पिटीशन फाइल की, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को करेक्ट पाया गया और वोडाफोन को कहा गया कि उन्हें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको ओवर रूल करने के लिए एक अमेंडमेंट प्रपोज किया फाइनेंस एक्ट में, और ये बिल जो है पार्लियामेंट से पास हुआ और दोबारा वोडाफोन को पे ये टैक्स इम्पोज कर दिया गया। उसके बाद जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने यहाँ पर देखा कि ये तो साफ साफ वायलेशन है
बिट का यानी कि बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का और यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का 2014 में जब वोडाफोन ग्रुप ने इनिशिएट किया था आर्बिट्रेशन अगेंस्ट इंडिया एट द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पर ये साफ बिट की वायलेशन पाई गई। अब जान लेते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है वो कंट्री जो है अलाउ करती है एक रूल को जिसमें वो टैक्स करती है सर्टेन प्रोडक्ट और आइटम या सर्विस के ऊपर, और इसमें वो चार्ज करती है कंपनी को वो उस टाइम से पहले जब वो लॉ को पास किया गया था। इसमें कंट्री यूज़ करती है ऐसे रूट का जिसमें टैक्सेशन पॉलिसी को वो लेकर आती है जो लूप होल पिछले एक्ट में रह गए थे उस लूप होल को यहाँ पर कवर करती है। गवर्नमेंट ऑफन इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट टैक्सेशन लॉ को लेकर आती है जो कि एग्जिस्टिंग लॉस में जो लूप होल होते हैं जिससे कंट्री काफ़ी हर्ट होती है उसके अगेंस्ट में। इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस तरह के लॉस को लेके आई है, उसमें US, UK, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और इटली भी इस तरह के टैक्स को लेकर के आ चुकी है। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ न्यू मिनी मून से है। अर्थ ने कैप्चर किया है एक न्यू मिनी मून जो कि काऊ और हिप्पोपोटामस के साइज़ के बीच का है। बैकग्राउंड क्या है, न्यू मून जो कि टेम्प्रोरली बाउंड है अर्थ से उसको डिस्कवर किया गया है इंटरनेशनल यूनियन माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिजिग्नेशन ऑफ माइनर बॉडीज इन सोलर सिस्टम। डिटेल क्या है, मिनी मून जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में पुल हुआ है ड्यू टू अर्थ मून एंड सन्स ग्रेविटी एट द सेम टाइम, इसके वजह से इरेगुलर ऑर्बिट का फॉर्मेशन हो गया है। एस्ट्रोनॉमर ने एस्टिमेट किया है कि ये मिनी मून जो है वो इंटर करेगा अर्थ ऑर्बिट में कर चुका है 3 साल पहले। मिनी मून जो है वो लाइकली हुआ है अराउंड द अर्थ फ्रॉम 2020 अक्टूबर टू मई 2021 के बीच में। इस पीरियड में जो है हेवनली बॉडी जो है एक्सपेक्ट करती है कि वो अर्थ के क्लोजर आ जाती है। इस तरह से बहुत सारे एस्टेरॉयड और नेचुरल सैटेलाइट्स जो है वो सक कर जाते हैं अर्थ के ऑर्बिट में कुछ समय के लिए और वो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड आवर प्लैनेट एंड अराउंड आवर स्टार्स। ये स्टार इधर या तो लीव कर जाते हैं ऑर्बिट को या तो फिर सन के अराउंड वो रिवॉल्व करते रहते हैं या सक कर जाते हैं अर्थ के एटमोसफेयर में। अगली न्यूज़ है पोलर सिल्क रोड से। यहाँ पर चाइना ने अपनी एम्बिशन को यहाँ पर जाहिर किया है कि वो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को के एम्बिशन को और एक्सटेंड करेगा आर्कटिक रीजन में। इसमें वो डेवलप कर रहा है शिपिंग लेन जो कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ओपन हुई थी। बैकग्राउंड क्या है, चाइना ने यहाँ पे कहा है कि वो इनकरेज करेगा एंटरप्राइजेस टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंडक्ट करेगा कॉमर्शियल ट्रेड वोएजेस जो कि आर्कटिक शिपिंग के रूट को वो खोलेगी और वो पोलर सिल्क रोड के नाम से उसको यहाँ पर दिखा रहा है। डिटेल क्या है, चाइना अभी जो है वो एक प्रेफरेबल पार्टनर है रशिया और नॉर्डिक कंट्री का इन नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट इन आर्कटिक रीजन। चाइना जबकि नॉन आर्कटिक स्टेट है फिर भी उसकी जो एक्टिविटी है पोलर रीजन में वो काफ़ी बढ़ गई है। इसका एक रीज़न है कि वो आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है ऑब्जर्वर मेंबर है आर्कटिक काउंसिल का 2013 से। उसकी जो इंटरेस्ट है इस रीजन में काफ़ी इंक्रीज कर गई है। इसकी एक वजह ये भी है कि वो रशिया के यमाल लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट में उसका एक मेजर स्टेक है जो कि यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है कि चाइना इसमें 4 मिलियन टन्स ऑफ LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस को हर साल यहाँ पर सप्लाई करेगा। इसमें शिपिंग जो नॉर्दर्न सी रूट में है वो ऑलमोस्ट 20 डे उनको लगती है शिपिंग करने में अगर वो रेगुलर स्वेस कनाल के रूट से अगर जाते हैं तो।
चाइना की जो इंक्रीजिंग प्रोमिनेंस है इस रीजन में वो कंसर्न है अदर आर्कटिक स्टेट्स के लिए फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। मे बी चाइना इस रीजन में अपने मिलिट्री को भी डिप्लॉय कर सकता है। चाइना की नज़र अभी अदर फैक्टर अदर चीज़ पे भी है, जैसे वो डेवलपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस मिनरल रिसोर्सेज और अदर फोसिल एनर्जी पर भी फोकस कर रहा है। इसके अलावा फिशिंग और टूरिज्म में को भी इस रीजन में वो काफ़ी फोकस कर रहा है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो एम है वो है चाइना को यूरोप, मिडिल ईस्ट और इससे बियॉन्ड कनेक्ट करना। के लिए वो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कर रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। ये साफ दिखाता है जी जिनपिंग की डिज़ायर को कि वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड टूरिज़्म डे से। वर्ल्ड टूरिज़्म डे को हर साल 27 सितंबर को वो सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस पैदा किया जा सके ग्लोबल कम्युनिटी में टूरिज़्म को लेकर, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वैल्यू को लेकर। टूरिज़्म से 10% ऑफ वर्ल्ड जॉब क्रिएट होती है, लेकिन फिर भी इसको अंडर वैल्यू किया गया है। यूएन वर्ल्ड टूरिज़्म एक्सपेक्ट करती है कि टूरिज़्म के ग्रो हो 3% एनुअली अंटिल 2030 तक। UNWTO ने डेजिग्नेटेड किया है 2020 एज द ईयर ऑफ टूरिज़्म एंड रूरल डेवलपमेंट। थीम क्या है 2020 की? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। अगली नेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ऑन 17 नवंबर 2015 एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया यूनेस्को के द्वारा, जिसमें डिक्लेयर किया गया 28th ऑफ सितंबर को एज एन इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसके अलावा 2019 में जनरल असेंबली ने भी अडॉप्ट किया 28 सितंबर को एज एन इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। थीम क्या थी 2020 की? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइफ, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ब्रिंगिंग होप। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड रेबीज डे से। वर्ल्ड रेबीज डे को सेलिब्रेट किया गया टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेबीज, और इसमें हाईलाइट किया गया प्रोग्रेस को कि कैसे हम डिफीट कर सकते हैं डिजीज़ को। ये जो है वो डेथ एनिवर्सिटी है, इसको एज ए डेथ एनिवर्सरी ऑफ लुई पाश्चर भी मार्क किया जाता है, जिन्होंने फर्स्ट रेबीज वैक्सीन को डेवलप किया था। रेबीज जो है एक वायरल डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमन के बीच में। थीम क्या थी इस बार की? एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।